मालविका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम लेडीज ऑफिस बैग स्टिच करेंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लेडीज ऑफिस बैग स्टिच किया है। देखिए फ्रंट साइड में हमने एक जिप से पॉकेट दी है, इसको हम ओपन करेंगे। इसमें देखिए अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस दिया है। इनसाइड अपना कोई भी सामान सेट करते हुए इसको जिप से लॉक कर दीजिए। और ऐसे ही हमने दूसरी साइड में भी जिप से पॉकेट दी है, इसको भी हम ओपन करेंगे। तो इसमें भी अंदर की साइड में अपना कोई भी सामान देखिए सेट करते हुए जिप से इसको लॉक कर दीजिए। और इस साइड भी हमने एक जिप से पॉकेट दी है, इसको भी हम ओपन करेंगे। इसमें भी देखिए अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस दिया है। यहाँ पर भी अपना कोई भी सामान सेट करते हुए इसको यहाँ से लॉक कर दीजिए। और दूसरी साइड पे भी हमने जिप से पॉकेट दी है, इसको भी हम ओपन करेंगे। इसमें भी देखिए अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस दिया है। यहाँ पर अपना कोई भी सामान सेट करते हुए आप अच्छे से रख सकते हैं। और एक हमने इस साइड यहाँ पर इनर पॉकेट को स्टिच किया है, इसको भी हम ओपन करेंगे। तो इसमें भी देखिए अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है। यहाँ पर भी अपना कोई भी सामान सेट करते हुए इसको जिप से लॉक कर दीजिए। और अपने सामान को सेट करते हुए इस पॉकेट को भी अच्छे से लॉक कर दीजिए। और सेंटर में हम देखिए इसको ओपन करेंगे। से हमने ओपन किया तो इस साइड भी देखिए अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस दिया है। और एक हमने यहाँ पर इनर पॉकेट को स्टिच किया है, इसको भी हम ओपन कर लेंगे। और इसमें भी अपना कोई भी सामान सेट करते हुए इसको जिप से यहाँ से लॉक कर दीजिए। और अंदर की साइड में अपने सामान को देखिए सेट करते हुए दोनों साइड से जिप से इसको लॉक कर दीजिए। लॉक कर देंगे और इस हैंडल से हम इसको कैरी करेंगे। ये बैग काफ़ी यूज़फुल है और देखने में भी देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स, इस बैग को हमने इटालियन लेदर से स्टिच किया है, बट आप किसी भी फैब्रिक से इस बैग को स्टिच करेंगी तो बहुत ही खूबसूरत इसका शेप आता है। देखिए ये साइड से कुछ इस शेप में आएगा और इस साइड से भी ये कुछ इस शेप में आएगा। और इसमें अंदर की साइड में बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। फ्रेंड्स, इस बैग को स्टिच करने के लिए हमें 1 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोज़ में कोई भी हैंड बैग, ट्रेवल बैग या कोई भी बैग पसंद आ रहा हो तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करके उस बैग को परचेज कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा लेडीज ऑफिस बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। फ्रेंड्स, आज हम ये लेडीज ऑफिस बैग स्टिच करेंगे। नाउ लेट्स गो एंड स्टार्ट द वर्क। ऑफिस हैंड बैग बनाने के लिए हमने 12x15 का 2 मेन फैब्रिक्स लिया है। 12x15 का हमें 2 मेन फैब्रिक्स लेना है और 2 हमें ये प्लेन पीस लेना है 12x15 का। और ये हमने 9x15 का 2 मेन फैब्रिक्स लिया है। 9x15 का हमें 2 मेन फैब्रिक्स लेना है और हमें प्लेन पीस लेना है 9x15 का। और ये हमने 7x15 का, देखिए एक मेन फैब्रिक लिया है और एक हमने ये प्लेन पीस लिया है। 7x15 का एक मेन फैब्रिक लेना है और एक हमें ये प्लेन पीस लेना है। और ये हमने 2.5x19 का, हमने देखिए 2 मेन फैब्रिक्स लिया है। 2.5x19 का 2 मेन फैब्रिक्स लेना है और 2 हमें प्लेन पीस लेना है 2.5x19 का। और ये हमने 3x15 का 2 मेन फैब्रिक्स लिया है। 3x15 का 2 मेन फैब्रिक्स लेना है और 2 हमें प्लेन पीस लेना है 3x15 का। और ये हमने 1.5x15 का 4 मेन फैब्रिक्स लिया है। देखिए 1.5x15 का 4 मेन फैब्रिक्स लेना है और 4 हमें ये प्लेन पीस लेना है 1.5x15 का। और ये हमने 2 मेन फैब्रिक्स लिया है, हमें 2 मेन फैब्रिक्स लेना है और 2 हमें प्लेन पीस लेना है। और ये हमने 15x22 का 2 प्लेन पीस लिया है। 15x22 का हमें 2 प्लेन पीस लेना है। और ये हमने 6x8 का एक प्लेन पीस लिया है। 6x8 का हमें एक प्लेन पीस लेना है। और ये हमने 8x12 का एक प्लेन पीस लिया है। 8x12 का हमें एक प्लेन पीस लेना है। और ये हमने 6 इंच की एक जिप ली है और इस जिप के दोनों साइड में हमने देखिए 1.5 इंच के फैब्रिक को लेते हुए जिप को स्टिच करके लॉक कर दिया है। तो हमें 6 इंच की एक जिप लेनी है। और ये हमने 8 इंच की जिप ली है और इसमें हमने रनर डाल लिया है।
और ये हमने 12 इंच की 2 जिप ली है और इस जिप में भी हमने देखिए दोनों साइड से 2 इंच के फैब्रिक को लेके स्टिच कर लिया है और जिप को लॉक कर दिया है। तो हमें 12 इंच की 2 जिप लेनी है और ये हमने 15 इंच की 2 जिप ली है, 15 इंच की 2 जिप लेनी है और इसमें हमने दोनों में सिंगल अनर डालना है। और ये हमने 19 इंच की एक जिप ली है, 19 इंच की हमें एक जिप लेनी है और इसमें हमें डबल अनर डालना है। और ये हमने 26 इंच के 2 हैंडल्स लिए हैं, 26 इंच के हमें 2 हैंडल्स लेने हैं और 1.5 इंच की ये हमें थोड़ी पाइपिंग लेनी है। सबसे पहले हम 9x15 का ये दोनों मेन फैब्रिक्स लेंगे, देखिए दो मेन फैब्रिक्स हैं और ये दोनों हम प्लेन पीस लेंगे और ये 2 प्लेन पीस हम अलग कर लेंगे और हम ये 12 इंच की जिप लेंगे और इस जिप में हमने देखिए दोनों साइड से 2 इंच के फैब्रिक को लेते हुए जिप को स्टिच करके लॉक कर दिया है। और अब देखिए हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और दोनों साइड से कट लगा के सेंटर का मार्क कर लेंगे। जिप में हमने सेंटर का कट लगा लिया है और ऐसे ही इस जिप को भी हम फोल्ड करके दोनों साइड से कट लगा लेंगे और सेंटर का मार्क कर लेंगे। इस जिप में भी हमने सेंटर का कट लगा लिया है। अब देखिए ये दोनों मेन फैब्रिक्स और दोनों प्लेन पीस को भी हम फोल्ड करके सेंटर का कट लगा लेंगे। दोनों प्लेन पीस और दोनों मेन फैब्रिक्स में हमने सेंटर का कट लगा लिया है। अब देखिए इसमें से पहले हम एक जिप लेंगे और एक प्लेन पीस लेंगे और पहले हम जिप को देखिए सेंटर के कट से मिलाते हुए यहाँ पर सेट करेंगे और जिप के ऊपर हम ये प्लेन पीस लेंगे और तीनों कट्स को देखिए मिलाते हुए हम सेट करेंगे और यहाँ पर पिन अप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए इसको सेट कर दिया है। अब देखिए हम सीधे स्टिच करके जिप और प्लेन पीस को मेन फैब्रिक में अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे और ऐसे ही इन दोनों पार्ट्स को भी हम इसमें स्टिच करके रेडी कर लेंगे। दोनों पार्ट्स पे हमने देखिए जिप को स्टिच करके अटैच कर दिया है और हमने देखिए दाब सिलाई दे दी है और अब हमें 12x15 का एक मेन फैब्रिक लेना है और अब देखिए हम यहाँ पर 3.5 इंच पे डाउन करेंगे। ऐसे हम डाउन करते हुए यहाँ पर हम सीधे मार्क कर लेंगे। इस साइड हमने 3.5 इंच पे डाउन करते हुए सीधे मार्क कर लिया है और अब देखिए इस साइड से हम यहाँ पर सेंटर का मार्क लगाएंगे। 7.5 इंच पे ऐसे हम मार्क कर लेंगे और इस मार्क वाले पॉइंट से हम इस साइड यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमने 2.5 इंच पे मार्क किया और इस साइड से भी 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। दोनों साइड से हमने देखिए 2.5 इंच पे मार्क कर लिया है और अब हमें ये हैंडल लेना है। ये हमने 26 इंच का हैंडल लिया है और इस हैंडल को हम देखिए मार्क वाली लाइन पे ऐसे यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर शेप पे स्टिच करके इस हैंडल को यहाँ पर अटैच कर देंगे और ऐसे इसके दूसरे साइड को भी हम यहाँ पर दूसरी साइड में स्टिच करके अटैच कर देंगे। दोनों साइड से हमने देखिए स्टिच करके हैंडल को अटैच कर दिया है और अब देखिए ये जिप वाला पार्ट लेंगे और ये जो प्लेन पीस है प्लेन पीस को देखिए ऐसे हम यहाँ पर पिन अप कर लेंगे। प्लेन पीस को पिन से सेट कर दिया है। अब देखिए जिप वाले पार्ट को हम ऐसे रखेंगे, जो हमने मार्क किया है मार्क वाली लाइन पे जिप को हम ऐसे सेट करेंगे और सेंटर के मार्क से मिलाते हुए ये हमने सेंटर का मार्क लगाया है और ये जिप में हमने सेंटर का कट लगाया है। इसको हम देखिए मार्क वाली लाइन को दोनों को ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर हम सीधे स्टिच करके इसको इसमें अटैच कर देंगे। मार्क वाली लाइन पे जिप को देखिए हमने सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है और अब देखिए इस पार्ट को हम ऐसे करेंगे और यहाँ पर बॉटम से इसको सेट करेंगे। ऐसे सेट करते हुए हम पिन अप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए दोनों पार्ट्स को सेट कर दिया है। अब देखिए जिप वाले पार्ट को हम थोड़ा ऊपर की साइड में ऐसे सेट करते हुए दोनों साइड से और यहाँ पर ऐसे 3 साइड से स्टिच करते हुए इस वाले पार्ट को हम इसमें अटैच कर देंगे। साइड से स्टिच करते हुए जिप वाले पार्ट को हमने इसमें अटैच कर दिया है और अब देखिए फ्रेंड्स ये जो जिप वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में करते हुए हमें स्टिच करना है और इसमें हमें अटैच करना है और अब हमारे यहाँ पर एक पॉकेट बन के रेडी हो गई है। इसको हम लॉक कर देंगे और अब हमें 12x15 का ये प्लेन पीस लेना है और इस हैंडल को हम देखिए ऐसे रखेंगे और इस प्लेन पीस को हम देखिए इसको यहाँ पर ऐसे सेट करते हुए सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए इसमें स्टिच करके अटैच कर दिया है और इसमें हमने देखिए दाब सिलाई दे दी है।
फ्रेंड्स, जैसे हमने इस पार्ट को रेडी किया है वैसे ही हमें दूसरा पार्ट अटैच करना है, क्योंकि ये दूसरा जिप वाला पार्ट है और ये हम दूसरा 12x15 का मेन फैब्रिक लेंगे। इसको पहले हम यहाँ पर 3.5 इंच पे डाउन करते हुए सीधे मार्क करेंगे। इसके बाद सेंटर से 2.5 इंच मार्क करते हुए दोनों साइड से हम दूसरे हैंडल को इसमें अटैच करेंगे। इसके बाद ये वाला पार्ट इसमें अटैच कर देंगे। जैसे हमने इस पार्ट को स्टिच करके रेडी किया है वैसे ही ये वाला पार्ट भी हमें स्टिच करके रेडी करना है। दूसरे पार्ट को भी हमने देखिए स्टिच करके अटैच कर दिया है और इस प्लेन पीस को भी हमने देखिए इसमें अटैच कर दिया है। अब देखिए दोनों पार्ट्स हमारे रेडी हो गए हैं और अब हमें 2.5x19 का हमें देखिए दोनों मेन फैब्रिक्स लेना है, प्लेन पीस लेना है और 19 इंच की ये हमें जिप लेनी है। और इस जिप को हम मेन फैब्रिक में ऐसे रखेंगे, राइट साइड दोनों एक साइड में होगा और जिप को इसके ऊपर ऐसे सेट करेंगे और इसके ऊपर हम प्लेन पीस रखेंगे। प्लेन पीस को लेते हुए हम यहाँ पर सीधे स्टिच करके जिप को इसमें अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाग सिलाई दे देंगे और जिप की दूसरी साइड में हम इन दोनों पार्ट्स को स्टिच करके अटैच कर देंगे। मेन फैब्रिक्स और प्लेन पीस को लेते हुए हमने देखिए जिप में स्टिच करके अटैच कर दिया है और इस साइड से भी देखिए स्टिच करके हमें प्लेन पीस को इसमें अटैच करना है। और अब हमें जिप में रनर डालना है, एक रनर इस साइड से और एक रनर इस साइड से, दोनों साइड से जिप में हम रनर डाल लेंगे। जिप में हमने रनर डाल लिया है और अब हमें ये दोनों मेन फैब्रिक्स लेना है और ये प्लेन पीस लेना है। और इस पीस को पहले हम ऐसे लेंगे और यहाँ पर ऐसे फोल्ड करते हुए इसमें सेंटर का मार्क लगा लेंगे। इसमें हमने सेंटर का मार्क लगा लिया है। सेंटर के मार्क से हम यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमने यहाँ पर मार्क किया और ऐसे ही साइड भी 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये हमने देखिए दोनों साइड से सेंटर के मार्क से 2.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब इस मार्क वाले पॉइंट को हमें इस कॉर्नर पे मिलाना है। देखिए इस कॉर्नर पे ऐसे लेते हुए हम मार्क वाली लाइन पे ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर ऐसे हम मार्क कर लेंगे। ये हमने देखिए मार्क कर लिया है और ऐसे ही इस साइड भी हम देखिए इस पॉइंट को इस कॉर्नर से मिलाते हुए सीधे मार्क कर लेंगे। इस साइड भी हमने देखिए मार्क कर लिया है और ऐसे ही इस वाले पार्ट को भी हम फोल्ड करके पहले सेंटर का मार्क करेंगे और ऐसे ही इस साइड जैसे इसमें मार्क किया है वैसे इस पार्ट में भी हम मार्क कर लेंगे। इस पार्ट में भी हमने मार्क कर लिया है। अब जो हमने मार्क किया है दोनों पार्ट्स में इसको हम कट कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को हमने देखिए मार्क वाली लाइन पे कट कर लिया है और अब देखिए ये हम प्लेन पीस लेंगे और प्लेन पीस को हम ऐसे सेट करते हुए देखिए ऐसे सेट करेंगे और दोनों साइड से पहले हम मार्क करेंगे। इसके बाद इस प्लेन पीस को भी हम इसी शेप में कट कर लेंगे। दोनों प्लेन पीस को भी हमने देखिए शेप में कट कर लिया है और अब देखिए हम जिप वाला पार्ट लेंगे और इसमें से हम एक मेन फैब्रिक लेंगे और एक प्लेन पीस लेंगे और इस मेन फैब्रिक को हम देखिए ऐसे रखेंगे और इसमें हम देखिए ऐसे सेट करेंगे और ये जो प्लेन पीस है प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे बैक साइड में रखेंगे। दोनों पार्ट्स को देखिए सेट करते हुए हम यहाँ पर सीधे स्टिच करके अटैच करेंगे और ऐसे ही जो दूसरा पार्ट है दोनों साइड से इस साइड से भी देखिए दोनों पार्ट्स को ऐसे रखेंगे और इस साइड भी स्टिच करके दोनों पार्ट्स को हम अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट्स को हमने देखिए दोनों साइड से स्टिच करके अटैच कर दिया है। अब देखिए प्लेन पीस और मेन फैब्रिक को दोनों को हम ऊपर की साइड में ऐसे सेट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर दाब सिलाई देते हुए स्टिच करेंगे और ऐसे चारों साइड से स्टिच करके इस प्लेन पीस को हम इसमें अटैच कर देंगे और ऐसे ही इस पार्ट को भी हम स्टिच करके रेडी कर लेंगे। दोनों पार्ट्स में हमने देखिए दाब सिलाई देते हुए स्टिच किया और ऐसे स्टिच करते हुए इस प्लेन पीस को हमने इसमें अटैच कर दिया है और अब हमें 3x15 का ये दोनों मेन फैब्रिक्स लेना है और ये प्लेन पीस लेना है और इस प्लेन पीस को हम देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर ऐसे सेट करेंगे। ठीक है, ऐसे रखना है हमें और यहाँ पर सेट करते हुए हम सीधे स्टिच करके अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाग सिलाई दे देंगे और ऐसे ही इस पार्ट को भी हम इसमें ऐसे सेट करते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट्स में हमने प्लेन पीस को स्टिच करके अटैच कर दिया है और इस साइड से भी स्टिच करके इसमें देखिए अटैच कर दिया है। देखिए दोनों पार्ट्स इसमें अटैच हो गए हैं और इसमें से अब हमें एक पार्ट लेना है और ये वाला पार्ट लेंगे जिसमें हमने हैंडल को अटैच किया था और अब हम ये वाला पार्ट लेंगे जिसको अभी हमने स्टिच करके रेडी किया।
जिस साइड हमने इसमें दाब सिलाई दी है उस साइड हम देखिए इसको ऊपर की साइड में ऐसे करेंगे और दोनों राइट साइड अंदर की साइड में होगा और इस पार्ट को हम देखिए ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर ऐसे स्टिच करेंगे और हाफ इंच पे देखिए यहाँ पर ऐसे छोड़ देंगे। हाफ इंच तक हमें यहाँ पर छोड़ते हुए ऐसे यहाँ तक स्टिच करना है और ऐसे ही इस साइड भी हाफ इंच पे ऐसे मार्क कर लेंगे। यहाँ से मार्क वाली लाइन से हमें यहाँ तक दोनों पार्ट्स को देखिए ऐसे सेट करते हुए ऐसे हमें स्टिच करके अटैच करना है। दोनों साइड से देखिए हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए हमने स्टिच कर लिया है और इस पार्ट को हमने इसमें अटैच कर लिया है। तो देखिए हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए हमें स्टिच करना है दोनों साइड से और इस पार्ट को हमें अटैच करना है। और फ्रेंड्स जो हमने इसमें प्लेन पीस अटैच किया था ये प्लेन पीस अभी देखिए हमारा ओपन है, अभी इसको हमने लॉक नहीं किया है और इसमें हम देखिए पिनअप कर लेंगे। पहले नीचे हमने देखिए इसको सेट कर दिया है। अब हम इनसाइड आएंगे और इस पार्ट को लेंगे और इसको हमें देखिए ऐसे रखना है, यहाँ पर देखिए इसको ऐसे रखेंगे। इस पार्ट को हम देखिए बॉटम से यहाँ से ऐसे सेट करेंगे और ऐसे हम सेट करते हुए यहाँ पर स्टिच करके पहले अटैच करेंगे और जो हमने यहाँ पर हाफ इंच पे गैप छोड़ा है इस पार्ट को हम देखिए ऐसे सेट करते हुए इसमें अटैच करेंगे। ये जो पार्ट है नीचे की साइड में इसको हम देखिए ऐसे सेट करते हुए जिप वाले पार्ट को हमें ऐसे स्टिच करके इसमें अटैच करना है। तो हम देखिए दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। इस साइड हमने देखिए स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है दोनों पार्ट्स को। और अब देखिए जो हमने हाफ इंच पे गैप छोड़ा था इस साइड हम टर्न कर लेंगे। यहाँ पर गैप जो छोड़ा है यहाँ पर इसको जिप वाले पार्ट को देखिए सेट करते हुए इस पर हम इसको अटैच कर लेंगे। जिप वाले पार्ट को हमने स्टिच करके अटैच कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स हमें यहाँ से स्टिच करना है और ये जो हाफ इंच पे गैप छोड़ा था इस साइड से हमें यहाँ पर टर्न करते हुए ऐसे स्टिच करना है और दूसरी साइड से भी देखिए हाफ इंच पे जो गैप छोड़ा था यहाँ से लेते हुए ऐसे स्टिच करके इसमें हमें इसको अटैच करना है। और अब हमें 6x8 का ये प्लेन पीस लेना है और 6 इंच की जिप लेनी है और इस जिप में हमने देखिए दोनों साइड से 1.5 इंच के फैब्रिक को लेते हुए जिप को स्टिच करके लॉक कर दिया है और इसको हम देखिए ऐसे रखेंगे और इसमें हम 8 की साइड में 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस साइड हमने 1.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब जो हमने ये मार्क किया है इसे हम ऐसे सीधे कट कर लेंगे। मार्क वाली लाइन पे हमने देखिए प्लेन पीस को कट कर लिया है और अब देखिए ये प्लेन पीस का सीधा साइड है और ये हम सीधी जिप ऐसे रखेंगे। दोनों राइट से देखिए एक साइड मिलेगा और इस पार्ट को हम जिप को देखिए ऐसे रखेंगे और सीधे स्टिच करके इसमें अटैच करेंगे। इसके बाद बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे और जिप की दूसरी साइड में इस प्लेन पीस को स्टिच करके अटैच कर देंगे। प्लेन पीस में हमने जिप को स्टिच करके अटैच कर दिया है और इस पर हमें दाब सिलाई दे दी है और अब देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सेंटर का कट लगा लेंगे। इस साइड हमने सेंटर का कट लगा लिया है और ऐसे ही इस साइड भी हम सेंटर का कट लगा लेंगे। इस साइड भी हमने सेंटर का कट लगा लिया है और इस प्लेन पीस को हम देखिए फोल्ड करके पहले सेंटर का मार्क करेंगे। प्लेन पीस में भी हमने दोनों साइड से सेंटर का कट लगा लिया है। अब इस पार्ट को लेंगे और इसको हम देखिए बॉटम से सेट करेंगे। देखिए दोनों सेंटर के कट को मिलाते हुए यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। पिन अप कर लिया है हमने इस साइड से और देखिए ये सेंटर का कट लगाया था हमने और इसको हम देखिए ऐसे यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेंगे। ये सेंटर का कट है यहाँ पर और दोनों कट्स को देखिए दोनों सेंटर के मार्क को मिलाते हुए और जो प्लेन पीस है प्लेन पीस को देखिए अंदर की साइड में ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे सेट करेंगे। देखिए ऐसे हमें अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए यहाँ पर ऐसे स्टिच करना है और ऐसे इस साइड भी फोल्ड करते हुए स्टिच करके हमें चारों साइड से इसमें अटैच करना है। तो हम देखिए अंदर की साइड में प्लेन पीस को ऐसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे और इस पॉकेट को हम इसमें अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को देखिए अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए हमने स्टिच करके अटैच कर दिया है और एक पॉकेट हमारी इस साइड भी यहाँ पर प्लेन पीस में स्टिच हो गई है। इसको हम ऐसे लॉक करेंगे और अब देखिए इस प्लेन पीस को हमें इसमें अटैच करना है। ये जो हमने जिप वाला पार्ट अटैच किया है इसी स्टिच लाइन के ऊपर हमें इस प्लेन पीस को ऐसे रखना है। देखिए राइट साइड दोनों अंदर की साइड में होगा और इसको हम यहाँ से सेट करते हुए पूरा हम राउंड में स्टिच कर लेंगे और इसमें हम अटैच कर देंगे प्लेन पीस को।
इसको हमने देखिए स्टिच लाइन में रखते हुए ऐसे स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है। अब प्लेन पीस को हम पलट के बैक साइड पे कर देंगे। ठीक है, ऐसे हम इसको पलट देंगे। प्लेन पीस को पलट के हमने बैक साइड में कर लिया है। ये देखिए प्लेन पीस हमारा नीटली यहाँ पर अटैच हो गया है। अब देखिए ये जो ओपन पार्ट है प्लेन पीस का, दोनों प्लेन पीस को साथ में लेते हुए साइड स्टिच करके इसको हम यहाँ से लॉक कर देंगे। सीधे स्टिच करके हमने देखिए प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया है। ये देखिए दोनों प्लेन पीस यहाँ से लॉक हो गया है और ये पार्ट नीटली यहाँ पर अटैच हो गया है। एक पॉकेट हमारी देखिए साइड आ गई है। और अब हमें ये दूसरा पार्ट लेना है जिसमें हमने हैंडल को अटैच किया था, और ये वाला पार्ट लेना है जिसको अभी हमने स्टिच किया था 3x15 का। और इस पार्ट को भी हम देखिए वैसे ही रखेंगे। देखिए दोनों राइट साइड अंदर की साइड में होगा और जिस साइड हमने देखिए दाब सिलाई दी है वो साइड हमारा ऊपर की साइड में होगा। और इसको हम देखिए ऐसे सेट करेंगे और दोनों साइड से हम पहले हाफ इंच पे मार्क करेंगे। इस साइड हाफ इंच पे मार्क किया और इस साइड से भी हाफ इंच पे मार्क कर लिया है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक स्टिच करके इस साइड हमें इसको अटैच करना है और ऐसे ही इस साइड यहाँ पर स्टिच करके दोनों पार्ट्स को हमें इसमें अटैच करना है। दोनों साइड से देखिए हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए हमने देखिए स्टिच कर लिया है और इस साइड से यहाँ पर अटैच कर दिया है। ये वाला पार्ट लेना है जिसको अभी हमने स्टिच किया था और इसको पलट के पहले हम बैक साइड में कर लेंगे। इसको पलट के हमने देखिए बैक साइड में कर लिया है और अब देखिए इसको हमें ऐसे रखना है। देखिए दोनों राइट साइड अंदर की साइड में होगा। देखिए ये राइट साइड है और ये राइट साइड है और इसको भी हम देखिए इस साइड यहाँ पर ऐसे रखेंगे और ऐसे हम सीधे स्टिच करेंगे। और जो हाफ इंच पे गैप छोड़ा है इस साइड से हम देखिए इस पार्ट को लेते हुए ऐसे हम यहाँ पर देखिए इसको सेट करते हुए स्टिच कर लेंगे और यहाँ तक स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। और ये जो प्लेन पीस हमारा इसके साइड जो हमने स्टिच किया था ये देखिए ओपन है, ये भी हमारा साथ में स्टिच हो जाएगा। इसको हम देखिए पहले ऐसे पिन अप कर लेंगे। अब प्लेन पीस को देखिए साथ में लेते हुए हम स्टिच करके इस पार्ट को भी इसमें अटैच करेंगे जिप वाले पार्ट में। ये ऐसे ही सेट करते जाएंगे और धीरे धीरे हम स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे जिप वाले पार्ट को। इस साइड भी हमने देखिए दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए यहाँ से देखिए स्टिच किया और ऐसे स्टिच करते हुए इसमें इसको अटैच कर दिया है मेन फैब्रिक को। और जैसे हमने इस साइड यहाँ पर प्लेन पीस अटैच किया था वैसे ही इसकी दूसरी साइड में भी हमें प्लेन पीस स्टिच करके अटैच करना है। तो ये हम 10x15 का दूसरा प्लेन पीस लेंगे और इसको भी हम देखिए ऐसे रखेंगे। दोनों राइट साइड अंदर की साइड में होगा और इस पार्ट को ऐसे अंदर की साइड में फोल्ड कर लेंगे और स्टिच लाइन पे हम देखिए ऐसे रखेंगे प्लेन पीस को। और ऐसे सेट करते हुए स्टिच लाइन पे रखते हुए हम पूरा यहाँ से यहाँ तक स्टिच करके इस प्लेन पीस को इसमें अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को भी हमने देखिए स्टिच लाइन पे रखते हुए ऐसे पूरा शेप में स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है। देखिए स्टिच लाइन पे रखते हुए हमें सेट करना है और ऐसे हमें स्टिच करके इसमें अटैच करना है। और अब देखिए इस प्लेन पीस को भी हम पलट के बैक साइड में प्लेन पीस को पलट के हमने देखिए बैक साइड में कर दिया है। और इस साइड भी देखिए दोनों ओपन पार्ट्स को हम ऐसे लेते हुए यहाँ पर स्टिच करके पहले इसको हम यहाँ से लॉक कर देंगे। इस साइड भी हमने सीधे स्टिच करते हुए दोनों प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया है। देखिए साइड से लॉक हो गया है। और अब हमें 7x15 का ये मेन फैब्रिक लेना है और ये हमें प्लेन पीस लेना है। और इस प्लेन पीस को देखिए हम ऐसे रखेंगे और इसको इसके ऊपर ऐसे सेट करते हुए हम पूरा राउंड में स्टिच कर लेंगे और प्लेन पीस को इसमें अटैच कर देंगे। राउंड में स्टिच करते हुए प्लेन पीस को हमने देखिए बैक साइड में अटैच कर दिया है। और अब देखिए इस पार्ट को हमें इसमें बॉटम की साइड में सेट करना है। देखिए ऐसे हमें सेट करना है। 7 का साइड हमारा देखिए इस साइड होगा और इसको ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर हम पिनअप करेंगे और ऐसे इस साइड आएंगे और इस साइड भी 7 के साइड में इस पार्ट को ऐसे सेट करते हुए पिनअप कर लेंगे। अब इस पार्ट को हम देखिए राउंड में स्टिच करके इसमें अटैच करेंगे और जो स्टिच लाइन है उसे हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। राउंड में स्टिच करते हुए देखिए हमने बॉटम वाले पार्ट को अटैच कर दिया है और स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर दिया है। और अब देखिए ये जिप है, जिप को ओपन करेंगे और इसको करके सीधी साइड कर लेंगे।
इसको पलट के हमने सीधी साइड कर लिया है। और देखिए फ्रेंड, बॉटम का पार्ट नीटली यहाँ पर अटैच हो गया है। और इस साइड से देखिए, साइड से ये ऐसा दिखेगा और इस साइड से भी ऐसा दिखेगा। और सेंटर में ये पॉकेट हमारी बन के रेडी हो गई है। इसको हम जिप से यहाँ से लॉक करेंगे। ये हमने देखिए लॉक किया और ये बैग हमारा देखिए कुछ इस शेप में आएगा। और अब हमें 15x22 का ये हमें प्लेन पीस लेना है। और इस प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें हम सेंटर का मार्क लगा लेंगे। इस साइड हमने देखिए ये सेंटर का मार्क लगा लिया है। सेंटर के मार्क से हम देखिए 3 इंच पे नीचे की साइड पे डाउन करेंगे। ये हमने 3 इंच पे डाउन किया। और अब हमें 8x12 का ये प्लेन पीस लेना है। और इस प्लेन पीस को भी हम देखिए फोल्ड करके इसमें सेंटर का मार्क लगा लेंगे। प्लेन पीस में भी हमने सेंटर का मार्क लगा लिया है। अब इस प्लेन पीस को हम देखिए इस वाले सेंटर के मार्क से मिलाते हुए और 3 इंच पे डाउन करते हुए यहाँ पर सेट करेंगे और पिन अप कर देंगे। पिन से हमने देखिए इसको सेट कर दिया है प्लेन पीस को। और अब देखिए इस प्लेन पीस में हम 1 इंच नीचे की साइड में डाउन करेंगे। ये हमने देखिए 1 इंच पे डाउन किया। और इस साइड हम देखिए सेंटर के मार्क से 3.5 इंच इस साइड से और 3.5 इंच इस साइड से दोनों साइड से मार्क करते हुए हम यहाँ पर यानी 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस साइड हमने 7 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हाफ से हाफ इंच इस साइड से और हाफ से हाफ इंच इस साइड से मार्क करते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। मार्क करके हमने देखिए एक बॉक्स बना लिया है। अब बॉक्स के चारों साइड से स्टिच कर लेंगे और प्लेन पीस को हम इसमें अटैच कर देंगे। बॉक्स के चारों साइड से स्टिच करते हुए प्लेन पीस को हमने इसमें अटैच कर दिया है। अब इसको हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और जो हमने सेंटर पे 7 इंच पे मार्क लगाया था उसमें हल्का सा ऐसे कट लगा लेंगे और इसको हम ओपन करेंगे। अब हम सीधे कट करते हुए दोनों कॉर्नर्स में वी शेप में कट कर देंगे। सीधे कट करते हुए हमने दोनों कॉर्नर्स में वी शेप में कट कर लिया है। अब इस प्लेन पीस को हम बैक साइड में पिन अप कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने पिन से सेट कर दिया है। और अब देखिए हम 8 इंच की ये जिप लेंगे। और जिप का देखिए राइट साइड है, राइट साइड अंदर की साइड में देखिए ऐसे रखेंगे और फ्रंट साइड में आएंगे। और देखिए जिप को हम सेट करते हुए राउंड में स्टिच करेंगे और इस साइड हम इसमें अटैच कर देंगे जिप को। जिप को सेट करते हुए हमने राउंड में स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है। अब हम बैक साइड में आएंगे और पिन को ओपन करेंगे। और ये जो प्लेन पीस है, प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए 3 साइड से स्टिच करते हुए प्लेन पीस को लॉक कर देंगे। और ये जो दूसरा प्लेन पीस है इसे हम देखिए ऐसे हटाते हुए 3 साइड से स्टिच करके इस प्लेन पीस को लॉक कर देंगे। 3 साइड से स्टिच करते हुए प्लेन पीस को हमने लॉक कर दिया है। और अब हम फ्रंट साइड पे आएंगे और ये पॉकेट भी हमारी यहाँ पर स्टिच हो गई है। इसको हम लॉक कर देंगे। और अब हमें 1.5x15 का 4 हम मेन फैब्रिक्स लेंगे और ये 4 प्लेन पीस लेंगे। और इसमें से हम देखिए एक मेन फैब्रिक लेंगे और ये प्लेन पीस लेंगे। इस प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे रखेंगे, दोनों राइट साइड अंदर की साइड में होगा। दोनों पार्ट्स को ऐसे सेट करते हुए इस साइड हम सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे प्लेन पीस को। और ऐसे ही सारे पार्ट्स में हम प्लेन पीस को स्टिच करके अटैच करेंगे। देखिए सारे पार्ट्स में हम प्लेन पीस को ऐसे सेट करते हुए एक साइड से स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। प्लेन पीस और मेन फैब्रिक को लेते हुए देखिए हमने एक साइड से स्टिच करके सारे पार्ट्स में अटैच कर दिया है। और अब देखिए इसको हम प्लेन पीस को पलट के बैक साइड में कर लेंगे, यहाँ पर प्रेस करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, इस साइड से हम स्टिच करके इसमें दाब सिलाई देंगे और इस साइड से भी स्टिच करके इस प्लेन पीस को हम इस वाले पार्ट में अटैच कर देंगे। ऐसे ही हम सारे पार्ट्स में स्टिच करके इसको रेडी कर देंगे। चारों पार्ट्स में हमने प्लेन पीस को स्टिच करके अटैच कर दिया है। और इस साइड हमने देखिए स्टिच करके इसमें हमने दाब सिलाई दे दी है और प्लेन पीस इसमें देखिए नीटली अटैच हो गया है। 15 इंच की ये दोनों जिप लेनी है और इसमें से पहले हम एक जिप लेंगे और एक मेन फैब्रिक लेंगे। देखिए ये प्लेन पीस का राइट साइड है और ये जिप का राइट साइड है। इस जिप को हम देखिए ऐसे रखेंगे, राइट साइड ऊपर की साइड में होगा। और एक हम ये वाला पार्ट लेंगे और इसको हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। देखिए राइट साइड इसका अंदर की साइड में होगा
और जिस साइड हमने देखिए दाब सिलाई दी है वो हमारा इस साइड होगा, और जिस साइड हमने स्टिच करके प्लेन पीस को अटैच किया है उसको हमें जिप के ऊपर ऐसे रखना है, और इस साइड हमें सीधे स्टिच करके जिप को और प्लेन पीस को इसमें अटैच करना है। जिप और प्लेन पीस को हमने देखिए सीधे स्टिच करते हुए इसमें अटैच कर दिया है। अब देखिए इस वाले पार्ट को हम ऐसे ऊपर की साइड में करेंगे और यहाँ पर प्रेस कर लेंगे, और जो स्टिच लाइन है वो देखिए ऊपर की साइड में होगी, और यहाँ पर हम सीधे स्टिच करके इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। दाब सिलाई देते हुए साइड हमने सीधे स्टिच कर दिया है, और अब देखिए जिप की दूसरी साइड में हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे प्लेन पीस को। देखिए राइट साइड अंदर की साइड में हो जाएगा, और इसको हम ऐसे सेट करेंगे और इस साइड ऐसे कर देंगे इसको। ऐसे हम इसको सेट करते हुए इसमें से हम दूसरा ये मेन फैब्रिक लेंगे, और इसको हम देखिए ऐसे रखेंगे। जिस साइड हमने देखिए स्टिच करके प्लेन पीस को अटैच किया है वो वाला पार्ट हमें जिप के ऊपर ऐसे रखना है और सीधे स्टिच करके इसमें अटैच करना है। इसके बाद ऐसे बैक साइड में करते हुए इसमें हमें दाब सिलाई देनी है। जिप की दूसरी साइड में इस पार्ट को हमने स्टिच करके अटैच कर दिया है, और इसमें हमने दाब सिलाई दे दी है, और अब हमें जिप में रनर डालना है। तो जिप को हम ओपन करेंगे और इसमें हम रनर डाल लेंगे। जिप में हमने रनर डाल लिया है। अब इस पार्ट को हम देखिए ऐसे फोल्ड कर लेंगे, इस दोनों पार्ट्स को ऐसे बराबर में हम सेट करेंगे, और इस साइड स्टिच करके इसको हम यहाँ से लॉक कर देंगे, और ऐसे ही इस साइड भी हम दोनों पार्ट्स को बराबर में सेट करते हुए साइड भी स्टिच करके दोनों पार्ट्स को हम यहाँ से लॉक कर देंगे। दोनों साइड से स्टिच करते हुए प्लेन पीस को हमने देखिए लॉक कर दिया है, और ये पॉकेट वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है। फ्रेंड, जैसे हमने इस पार्ट को स्टिच करके रेडी किया है वैसे ही हमें इसका दूसरा पार्ट भी स्टिच करना है। 15x22 का ये दूसरा प्लेन पीस लेंगे, इसको भी हम देखिए ऐसे रखेंगे। जिप का राइट साइड ऐसे रखते हुए ये प्लेन पीस का राइट साइड है, और इसको इसके ऊपर रखेंगे और इस वाले पार्ट को पहले स्टिच करके अटैच करेंगे। जैसे हमने इसको स्टिच किया है वैसे ही इस पार्ट को स्टिच करके हम रेडी कर लेंगे। इस पॉकेट को भी हमने स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब देखिए दोनों पॉकेट्स हमारी स्टिच हो गई हैं, और अब हमें इसमें से पहले हम एक पॉकेट लेंगे और इस पार्ट को लेंगे, और इसको हमें देखिए इस पॉकेट को इस वाले पार्ट पे सेट करना है। देखिए एक पॉकेट हमें यहाँ सेट करनी है और एक पॉकेट हमें इस साइड यहाँ पर सेट करनी है। तो इसको हम देखिए ऐसे अंदर की साइड में करेंगे, और दोनों स्टिच लाइन को हम देखिए ऐसे ओपन कर लेंगे। ये देखिए इसको हम ऐसे ओपन करेंगे और इस वाले पार्ट को भी हम ओपन कर लेंगे। दोनों स्टिच लाइन को ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। पिन से हमने देखिए सेट कर दिया है, और ऐसे ही दूसरी साइड में भी दोनों स्टिच लाइन को ओपन करते हुए इसको हम देखिए सेट करेंगे और पिनअप कर लेंगे। इस साइड भी हमने पिनअप कर लिया है। अब इस देखिए इस पॉकेट को हम इसमें ऐसे सेट करते हुए पहले हम पिन लगा लेंगे। पिन से हमने देखिए इस पॉकेट को सेट कर दिया है। अब देखिए राउंड में स्टिच करेंगे और इस पॉकेट को हम इसमें अटैच कर देंगे, और ऐसे ही दूसरी पॉकेट को इस साइड यहाँ पर सेट करते हुए इस साइड स्टिच करके इसमें हम अटैच कर देंगे दोनों पॉकेट्स को। दोनों पॉकेट्स को हमने देखिए सेट करते हुए राउंड में स्टिच करके अटैच कर दिया है। देखिए दोनों पॉकेट्स अटैच हो गई हैं। अब जब हम जिप को ओपन करेंगे, देखिए हमने जिप को ओपन किया और ये पॉकेट हमारी यहाँ पर स्टिच हो गई है। देखिए काफ़ी नीटली पूरी पॉकेट स्टिच हुई है। इसको हम ऐसे लॉक कर देंगे और ऐसे इस साइड भी ये पॉकेट यहाँ पर स्टिच हो गई है, और इसमें एक हमारी यहाँ पर इनर पॉकेट आ गई है, और इसको हम फिर से लॉक कर देंगे। और इस साइड भी जब इसको ओपन करेंगे तो इसमें एक हमारी देखिए बड़ी पॉकेट है, और एक हमारी जिप से साइड पॉकेट आ गई है, इसको भी हम जिप से लॉक कर देंगे। और फ्रंट साइड में देखिए एक इस साइड से पॉकेट है और एक हमारी इस साइड से पॉकेट है। देखिए ये भी पॉकेट अंदर से काफ़ी नीटली और काफ़ी बड़ी पॉकेट स्टिच हुई है, इसको हम यहाँ से लॉक कर देंगे, और इस हैंडल से हम देखिए इसको कैरी करेंगे। ये बैग काफ़ी यूज़फुल है और देखने में भी देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इस बैग को फ्रेंड्स हमने इटालियन लेदर से स्टिच किया है, बट आप किसी भी फैब्रिक से इस बैग को स्टिच करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा ऑफिस हैंडबैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।